हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम अली और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरह से आप एवरीडे मेकअप कर सकते हैं और वो भी एक ब्यूटीफुल लुक के साथ। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो एवरीडे कुछ ना कुछ मेकअप तो आपको करना ही पड़ता है, तो वो भी कितना सिंपल तरीके से और कितना जल्दी आप कर सकते हैं, वो भी वन ब्रांड के साथ। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्टेक विकी ब्रांड के साथ, मतलब स्टेक विकी की हर एक चीज़ यूज़ करके मैं किस तरह से झटपट से मेकअप कर लेती हूँ। और आपको पता है कि स्टेक विकी के जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और मेरे पास कई सारी चीज़ें स्टेक विकी का। तो इसके साथ चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस मेकअप, और आपको भी मैं थोड़ा दिखा दूँ कि कितना जल्दी मैं ये मेकअप लुक को कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन है और मेरे फेस में अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करने जाती हूँ स्टेक विकी का लिप बम, जो कि फेस वॉश करने के बाद स्किन तो तब भी ठीक है पर लिप्स थोड़ा ड्राई हो जाते हैं। तो लिपस्टिक अप्लाई करने का जो बेस है वो है लिप बम। लिप बम के ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट दिखते हैं। तो अभी मेरा लिप जो है वो जस्ट 2-1 सेकेंड्स के अंदर ही बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही जो ड्राइनेस था वो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ स्टेक विकी का मेकअप प्राइमर, सॉरी। तो ये जो प्राइमर है ये स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो एवरीडे अगर आप मेकअप करते हैं तो सीरम या कोई भी फेस क्रीम अगर आप यूज़ करना भूल भी जाए तो मेकअप प्राइमर यूज़ करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको रहना पड़ता है, तो क्या होता है कि मेकअप कुछ टाइम बाद बिघलने लगता है। तो मेकअप प्राइमर को ज़रूर यूज़ कीजिए। और स्टेक विकी मेकअप प्राइमर मैं जब से यूज़ कर रही हूँ मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है और बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है मेरा मेकअप। जब भी मैं प्लेन मेकअप भी करूँ, मतलब बहुत ही सिंपल मेकअप भी करूँ, तब भी एक बहुत अच्छा फ्लॉलेस स्किन मुझे लगता है, मेकअप भी बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। तो ये हो गया मेरा प्राइमर एप्लीकेशन। तो प्राइमर के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टेक विकी का बीबी क्रीम, और ये भी आपको पता है क्योंकि कई बार इसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड इसका ये मैं यूज़ कर रही हूँ नंबर 2, यानी कि स्लाइट मेल्ट। ये मीडियम कम्प्लेक्शन वालों के लिए है। और इसके अलावा भी और भी 2 शेड आते हैं इसमें, एक है डार्क राम जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए है, और एक है डॉट बियर जो कि नंबर 1 है इसका नंबर, तो वो है बहुत ज़्यादा फेयर स्किन के लिए। तो ये जो बीबी क्रीम है इसे भी मैं कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब 1-1.5 महीने तो हो गया मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और मेरे एवरीडे मेकअप में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ये बहुत अच्छी तरह से स्किन के जो स्पॉट्स होते हैं या आंखों के नीचे जो स्पॉट्स होते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं और स्किन को भी एक नेचुरल लुक देता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये अगर आप थोड़ा हेवी यूज़ करना चाहते तब भी कर सकते हैं, तो ये फाउंडेशन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से इसे ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आते हैं, हाथों से ही बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं। और एवरीडे मेकअप में ये स्पंज और मेकअप ब्रश इतना सब कुछ यूज़ करना पॉसिबल भी नहीं है, तो एवरीडे आपको मेकअप ब्रश वॉश भी तो करना पड़ेगा। तो मैं हाथों से अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ ये हाथों से भी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं। एंड सॉरी गाइस, मैं अपने ये थ्रोट एरिया में ज़्यादा मतलब अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अप्लाई कर सकते, मैं जस्ट एक डेमो के तौर पे आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं नेक एरिया में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो हमेशा कॉन्सीलर दिन के टाइम में मुझे अप्लाई करना ठीक नहीं लगता, अगर आप चाहें तो कर सकते, पर मुझे लगता है बीबी क्रीम से भी बहुत अच्छी तरह से ये कवर हो जाते हैं अगर आप ठीक ठाक से अप्लाई करते हैं। जैसे कि मेरा बहुत ही कम डार्क सर्कल का साइन है, तो अगर आप आपका ज़्यादा है तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करके ऐसे टैप कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये जो डार्क सर्कल है इसको कवर कर लेगा। और अभी मेरा जो स्किन है ये पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और थोड़ा बहुत ब्राइट भी तो दिख रहा है ना, मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ कि ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि देखिए या का जो कॉम्प्लेक्शन है और या का दोनों का जो फ़र्क दिख रहा है, और पहले ये दोनों में फ़र्क नहीं था। तो आई होप ये अच्छी तरह से मतलब डेली बेसिस जो मेकअप होते हैं उसके लिए काफ़ी है और ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ स्टेक विकी का कॉम्पैक्ट, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये जो कॉम्पैक्ट है ये मतलब बिल्कुल भी डस्टी नहीं है। कुछ कॉम्पैक्ट ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डस्ट फॉर्म में आते हैं, मतलब जब भी आप अप्लाई करेंगे तो या से गिरने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे आप बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे एंड इससे एक
मतलब एक फिनिशिंग टच देने के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने कोई भी बीबी क्रीम या कुछ भी अप्लाई नहीं किया, फिर भी आप देख सकते हैं मेरे ये नेक एरिया में ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसका कवरेज बहुत अच्छा है। और अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्टे क्विकी का आई लाइनर। आई लाइनर और काजल ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, आई लाइनर, काजल एंड लिपस्टिक, पर आई शेडो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये आई लाइनर जो ये लॉन्ग लास्टिंग है एंड एवरी डे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पानी से नहीं बिगड़ता। जब तक आप इसमें मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करेंगे इसका कुछ भी नहीं होगा। हो गया है मेरा लाइनर एप्लीकेशन और मैंने बहुत ही थिन लाइन में आईलाइनर अप्लाई की है। ज़्यादा मोटे लेयर मुझे पसंद नहीं है ऐसे रेगुलर के आई मेकअप में। और ये जो लाइनर है ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब इसमें डबल कोट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप जल्दी में होंगे बस एक कोट आप लगा लीजिए, अगर आप सही सही से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो एक कोट लगा लीजिए और आपका जो लाइनर का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर लाइन थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है तब आपको दो तीन कोट देना पड़ेगा उसको सेम लाइन में, मतलब एक ही लाइन में लाने के लिए, नहीं तो इससे मेरा डेली मेकअप बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं क्योंकि मुझे बार बार इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से ख़त्म होता है मेरा लाइनर का काम। अभी मैं यूज़ करूँगी और भी एक लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ काजल, वो भी स्टे क्विकी का। जबकि ये वन ब्रांड मेकअप है तो ऑब्वियसली मैं स्टे क्विकी यूज़ कर रही हूँ। और ये जो एवरीडे और फर्स्ट मेकअप करने का ट्यूटोरियल है यहाँ पे मैं सारे के सारे स्टे क्विकी का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हर एक चीज़ है लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ। ताकि क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए एवरीडे मेकअप, मतलब आप दो तीन मिनट के लिए तो नहीं करने वाले, अब लॉन्ग टाइम के लिए उसके साथ रहने वाले। तो जब आप लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे तो ऑब्वियसली मेकअप करने के टाइम में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ जो कि बिल्कुल भी पसीना के साथ बिघल ना जाए, बिल्कुल भी ये स्मज ना हो जाए ताकि बहुत बुरा लगे देखने में। ये मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा वीडियो बना रही हूँ। तो इस प्रोडक्ट में आपको डेली मेकअप करने का हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो ये काजल मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। और काजल किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो मैं अपने प्रिवेंटिंग नेचुरली शो वाली चैनल में दिखाया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। काजल इतना ज़्यादा डार्क है कि आँखों को एक अलग लुक दे देते हैं, कितने बड़े बड़े आईज। वैसे मेरी जो आँखें ये थोड़ा बड़ा है पर इसे और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं, बहुत ही डार्क काजल। तो काजल जब आप अप्लाई करेंगे, मतलब काजल परचेस करने के टाइम में ज़रूर ध्यान रखना कि काजल जो है वो डार्क ब्लैक होना चाहिए, तो आँखों का जो खूबसूरती है वो और भी बढ़ जाती है। मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट है पर एक बहुत बड़ा चीज़ मिसिंग है और वो है मेरा लिपस्टिक, जो कि मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विकी का बैटरेस सुपर मैट लिपस्टिक। और ये जो लिपस्टिक है ये नॉट ओनली सुपर मैट, इसके साथ साथ ये सुपर लास्टिंग भी है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग है। और समर सीजन में लॉन्ग लास्टिंग वाला एक मैट लिपस्टिक अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो बहुत डिसेंट लुक भी देता है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं कोई लिपस्टिक तो आप डार्क कलर तो ये पसंद नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक लाइट। जो लिपस्टिक है ये तो लाइट है पर थोड़ा सा ब्राइट भी है ना, तो मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो आई होप कि आपके ऊपर तो ये और भी ज़्यादा खिलेगा। मुझे लगता है मेरा जो मेकअप है ये अभी कंप्लीट हो गया है, पर ऐसे बालों के साथ तो मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं झट से जाती हूँ लड़का थोड़ा बहुत स्टाइल करके आती हूँ। और ये जो ड्रेस है आई होप ये ठीक ही है, बस हो जाएगा मेरा मेकअप कम्प्लीट विथ। मैं अभी कहीं जाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी, वैसे मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सो गाइज मैं मेकअप करके आ गई हूँ और ये रहा मेरा हेयर स्टाइल और ये इयररिंग के साथ। आई होप कि मैं भी जा सकती हूँ, मतलब हर एक जगह के लिए लगता है मेरा ये मेकअप परफेक्ट है। तो इस तरह से आप भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं वन ब्रांड के साथ ही। तो ये जो सारे चीज़ें मैंने अभी अभी आपको दिखाया है वो सारे चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके और भी कई सारे शेड्स हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से आगे और भी अगर आपको कुछ स्पेशल ओकेशंस के लिए
स्पेशल कुछ मेकअप लुक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बोल सकते हैं। जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा, मतलब हर टाइप के मेकअप तो मुझे नहीं आता, जस्ट सिंपल सा या वेडिंग गेस्ट का मेकअप भी मुझे आता है, दुल्हन का भी मेकअप मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इस तरह से अगर कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल की ज़रूरत है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। बिकॉज आई लव मेकअप, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना और मेकअप प्रोडक्ट्स परचेस करना भी। तो इसलिए जब भी आपको कोई अफोर्डेबल प्राइस के मेकअप की ज़रूरत होगी या ऐसा कोई मेकअप लुक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप मुझसे सजेशन मांग सकते हैं और जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से अभी ख़त्म होता है मेरा ये मेकअप लुक और ये बहुत ही जल्दी हो गया है और इसके साथ मैं भी एंड करती हूँ मेरे इस वीडियो का। और आगे मैं लाऊंगी और भी कई सारे वीडियोस, तो तब तक देखते रहना मेरे इस चैनल को। एंड अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक क्लिक कर दीजिए एंड साइड में जो एक बेल का बटन है तो उस बेल के बटन में तो क्लिक ज़रूर कीजिए, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस तरह से अभी मैं चलती हूँ, टाटा बाय।